हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज हम आपको एक नए टाइमर के बारे में बताने जा रहे हैं। ये टाइमर है किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ऑन ऑफ करने के लिए। एक टाइम पर्टिकुलर टाइम पे ऑन ऑफ करने के लिए हमें टाइमर की ज़रूरत होती है। जैसे हमें मोबाइल अपना चार्ज करना है, तो मान लीजिए मेरा मोबाइल 2 घंटे में चार्ज हो जाएगा या 1 घंटे में चार्ज हो जाएगा, तो मैं इस अपने मोबाइल चार्जर को इस 1 घंटे के टाइम सेटिंग पे इसको लगा कर छोड़ दूंगा, तो ये मोबाइल 1 घंटे बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। मान लीजिए मैंने रात में लगाया और मैं सो गया, तो ये मेरा जो भी अगर मैं चार्जर लगा के मोबाइल कनेक्ट करके छोड़ देता हूँ, तो रात भर वो मोबाइल ओवर चार्जिंग होता रहेगा और मेरी बैटरी हीट होगी, जिससे मेरा चार्जर भी ख़राब हो सकता है और मोबाइल भी ख़राब हो सकता है। इसी तरह किसी भी अप्लायंसेस को अगर हमें पार्टिकुलर टाइम बाद ऑफ करना है, तो हम इस टाइमर द्वारा इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले भी मैंने एक आपको टाइमर 2-3 तरह के टाइमर दिखाए थे। ये एक नया टाइमर है जीफी कंपनी का। फ्रेंड्स, इसकी मैं बाइंग लिंक और बाकी डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 220 वोल्ट एसी पे ऑपरेट होता है, 220 240 वोल्ट एसी पे ऑपरेट होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 इंडिकेटर दिया हुआ है। ये इनपुट लाइट को ग्लो करेगा कि इसमें सप्लाई आ गई है। फ्रेंड्स, ये एलईडी आउटपुट को शो करती है, ये इनपुट को शो करती है, ये आउटपुट को शो करती है। इसमें 7 सिलेक्शन है 30 मिनट के अंतराल पे। फ्रेंड्स, ये पहली इसकी सेटिंग यहाँ 30 मिनट से शुरू होती है। 30 मिनट, 1 आवर, 1.5 आवर, 2 आवर, 2.5 आवर, 3 आवर, 3.5 आवर, इस तरह से। फ्रेंड्स, 3 आवर के बाद 4 आवर है, हर 30 मिनट के बाद इसकी सेटिंग है। तो हमें जितने टाइम की रिक्वायरमेंट होती है इस स्विच से, हम उस टाइम पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ फ्रेंड्स, ये मैंने इसको यहाँ पे 30 मिनट पे कर दिया। अब मैं वापस इसको घुमाता हूँ, इस स्विच को घुमाता हूँ। ये नॉब लगी हुई है टाइम के सिलेक्शन के लिए। ये देखिए 1 आवर पे हो गई, ये देख सकते हैं आप। इस तरह से इसको हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। ये देखिए, ये 30 मिनट है, 1 आवर है, 1.5 आवर है, 2 आवर है, 2.5 आवर है, 3 आवर है, उसके बाद 4 आवर है। तो फ्रेंड्स, जब इस पे सप्लाई आएगी तो ये इंडिकेटर ग्लो करने लगेगा और ये आउटपुट पे सप्लाई आ जाएगी तो ये ग्लो करने लगेगा, लेकिन पार्टिकुलर टाइम के बाद ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर इसमें सप्लाई जाएगी या दोबारा आएगी तो ये रीसेट हो जाएगा टाइमर, उसी टाइम पे फिर वापस उतने घंटे के लिए ऑन कर देगा। मान लीजिए फ्रेंड्स कि मैंने एक इसमें 2 घंटे की सेटिंग करी, इसको 2 घंटे पे कर दिया और मैंने इसको प्लग इंसर्ट कर दिया अपने किसी इलेक्ट्रिक बोर्ड में। इस तरह से फ्रेंड्स लगा देंगे 220 वोल्ट सप्लाई, देखिए इस पे आउटपुट आ गया, ये इनपुट सप्लाई, ये आउटपुट आ गई। यहाँ जो भी चीज कनेक्ट करेंगे वो ऑन हो जाएगी। फ्रेंड्स देखिए, ये मैं इसमें अपना चार्जर लगा देता हूँ, मोबाइल का चार्जर है। ये देखिए मेरा ये चार्जर का इंडिकेशन आ गया। तो ये फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने इसको अभी मान लीजिए 1 घंटे पे लगाया हुआ है, तो ये 1 घंटे बाद ऑटोमेटिक ये एलईडी ऑफ हो जाएगी और मेरा चार्जर भी ऑफ हो जाएगा। इस तरह से अगर मैं रात में अपने मोबाइल को लगा देता हूँ, यहाँ 2 घंटे सेटिंग करके छोड़ देता हूँ, तो ये 2 घंटे तक इस पर सप्लाई आएगी, मेरे चार्जर पर सप्लाई आती रहेगी और 2 घंटे बाद ये चार्जर पर सप्लाई कट हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हमारी लाइट जाती है, दोबारा आती है, तो फिर ये 2 घंटे के लिए वापस ऑन हो जाएगा। इसमें ऑन ऑफ करने पे, सप्लाई ऑन ऑफ करने पे ये रीसेट हो जाता है। फ्रेंड्स, ये करीब 550 रुपये का मिलता है, इसका दाम बदलता रहता है। मैं अभी इसकी डिस्क्रिप्शन में इसकी बाइंग लिंक दे दूंगा, अगर आप चाहें तो वहां से परचेस कर सकते हैं। तो इसमें जो भी टाइम की सेटिंग है फ्रेंड्स, इसकी 7 सेटिंग है सिर्फ। ये या तो 30 मिनट आप सिलेक्ट कर सकते हो, 1 आवर सिलेक्ट कर सकते हो, 1.5 आवर सिलेक्ट कर सकते हो, 2 आवर सिलेक्ट कर सकते हो, 2.5 आवर सिलेक्ट कर सकते हो, 3 आवर सिलेक्ट कर सकते हो, 4 आवर सिलेक्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, इसके बीच की सेटिंग नहीं है। इसके पहले जो मैंने टाइमर बनाया था उसमें आपको दिखाया था, उसमें 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 60 मिनट की सेटिंग थी। इसके अलावा आवर की अलग सेटिंग थी। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, इसमें मैंने अभी आपको हमने मोबाइल चार्जर लगा के दिखाया है। इसमें दूसरा अप्लायंसेस भी कनेक्ट कर सकते हैं, मगर वो 1 किलोवाट के अंदर होना चाहिए। कोई भी अप्लायंसेस को मैं इसको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ऑफ कर सकता हूँ, लेकिन वो 1 किलोवाट के अंदर होना है। इससे ऊपर के अप्लायंस को इससे मत कनेक्ट करिएगा। तो इसमें आप बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जो भी 1 किलोवाट के अंदर का लोड है, आप कोई भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें जो भी मैंने सेटिंग बताई है उसके हिसाब से उसको एक पर्टिकुलर टाइम बाद ऑफ कर सकते हैं। जैसे मैं एलईडी बल्ब इससे कनेक्ट कर देता हूँ, या मैं अपनी ट्यूबलाइट कनेक्ट कर देता हूँ, मैं अपना साउंड सिस्टम इससे कनेक्ट कर देता हूँ, तो वो उस पर्टिकुलर टाइम के बाद ऑफ हो जाएगा। लेकिन वो उसका जो लोड है वो 1 किलोवाट के अंदर होना चाहिए।